वैसे भी खुश तो बहुत हो गए, आखिर मैं फिर भी आ चुकी है। इससे भी ज्यादा खुशी होती अगर जब तू हमें कुछ गिफ्ट दे। तो ये क्या है, दो तीन मैंने तुम्हारी बेइज्जती क्या कर दी, तुम तो डीसी अलग से गिफ्ट पे। देखो आज की वीडियो में बात करने वाले किस तरह आप लोग रैंक पुश कर सकते हो क्लैश स्क्वाड में ग्रैंड मास्टर तक। हाँ गाइस, मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में शेयर करने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप क्लैश स्क्वाड में पुश कर सकते हो ग्रैंड मास्टर। सो गाइस, तो पहले बात करते हैं पहले नंबर टिप या। हाँ गाइस, पहला टिप निकल के वो आप लोग का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। हाँ गाइस, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी मैच को जीतने में, चाहे वो क्लैश स्क्वाड हो चाहे वो आपका रैंक मैच। क्लैश स्क्वाड के लिए आपको अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा और रैंक मैच के लिए अलग लगेगा। जैसे कि हम बात कर लेते कि पोलोमो जो है वो आपको सिर्फ रैंक मैच में काम आएगा, वो आपको क्लैश स्क्वाड में काम नहीं आएगा। तो गाइस, मैं बता दूं कि आपको क्लैश स्क्वाड में कौन कौन से कॉम्बिनेशन लेकर चलना चाहिए। पहले गाइस कि आपको अगर आपके पास कोई एक्टिव कैरेक्टर है, एक्टिव स्किल का कोई कैरेक्टर है, तो आप लोग उसको ले लो। पहले नंबर आप लोग ले सकते हो वुकोंग को, ले सकते नहीं तो डीजे आलोक, नहीं तो क्रोनो कैरेक्टर को ले सकते हो। हाँ गाइस, ये तीन में से आप पहला स्लॉट में लोग चूज कर सकते हो और बाकी जो दो स्लॉट है जो आपको मिलते हैं, एक केल्यू को ले सकते हो या जोसेफ को ले सकते हो, ठीक है। और तीसरा में आप लोग ले सकते हो फिस्ट को ले सकते हो, ठीक है। हाँ गाइस, फिस्ट आप लोग क्ला ले सकते हो। पहला राउंड जो होता है उसमें आप लोग क्ला का यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आप क्ला का यूज करोगे तो आप कोई गन नहीं खरीदोगे, और फिर अगर आप गन नहीं खरीदोगे तो फिर आपको 500 रुपए जो आपको मिलने वाले एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलने वाले, उसको आप लोग नेक्स्ट लेवल में यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से गन खरीद के। और गाइस, मैं बता दूं अगर आपके पास कोई एक्टिव स्किल नहीं होगा तो आप लोग यूज कर सकते, केल्यू को यूज कर सकते हो, जोसेफ को यूज कर सकते हो, और गाइस एंड्रयू को आप लोग यूज कर सकते हो, और यहाँ तक गाइस आप लोग हटायो को यूज कर सकते हो। हाँ गाइस, ये जो मैंने आपको बताया कैरेक्टर्स का नेम वो सब आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई एक्टिव स्किल या कैरेक्टर्स आपके पास नहीं होते। सो गाइस, ये थी हमारी फर्स्ट नंबर टिप्स, जो गाइस चलते हैं सेकंड नंबर। गाइस गाइस, सेकंड नंबर टिप्स निकल के वो आप लोग निकल रहा है बेस्ट स्क्वाड। अगर आपके पास एक परमानेंट स्क्वाड होगा तो उसमें आप लोग ज्यादा चांस आप लोग लेंगे कि आप लोग जीत सकते। बट गाइस, आपको एक अच्छा परमानेंट स्क्वाड आपको चाहिए जिसके साथ आप हमेशा खेलो और हर मैच आप लोग जीतने का इसमें ट्राई करो गाइस, सही में हर मैच। मैं बता दूं कि आप लोग किस टाइप का अपना स्क्वाड को सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास होते हैं 4 मेंबर, ठीक है, और 4 में से 2 मेंबर आपको चाहिए का रश गेम प्ले हो, और बाकी का जो 2 है उसमें से एक बंदे को अच्छे से एयर गन को यूज करना, और जो फोर्थ नंबर जो बंदा निकलता है उसको आप लोग नेड यूज करो। नेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैश स्क्वाड। हाँ, नेड ही एक ऐसे वेपन है क्लैश स्क्वाड में जहाँ पे आप 1 से 4 मेंबर को मार सकते हो। नेड अगर जिसको अच्छे से यूज करने आ गया ना गाइस, उसका स्क्वाड हर मैच जीता लाइक। सो गाइस, ये थी हमारे सेकंड नंबर टिप्स। तो अब चलते हैं थर्ड नंबर की विनिंग स्टार। हाँ गाइस, ये जो क्लैश स्क्वाड होने वाला जो आप लोग ग्रैंड मास्टर तक आपको पहुंचना है, तो इसके लिए गाइस मैं बता दूं इसमें आपको किल का जरूरत नहीं है गाइस। हाँ गाइस, किल इसमें बहुत आपको कम करना पड़ेगा, बट गाइस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हर एक मैच को जीतो। हर मैच जीतना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हर मैच जीते आओगे तो इसमें आपको स्टार्स मिलने वाले, जितना ज्यादा आप मैच जीतोगे तो उतना ज्यादा आपको स्टार्स मिलेंगे, फिर उतना जल्दी आप ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकते हो। सो बस ये थी हमारे थर्ड नंबर टिप्स। तो चलते हैं फोर्थ नंबर टिप्स, नॉलेज ऑफ प्लेस एंड वेपन स्विचिंग। हाँ गाइस, नॉलेज ऑफ प्लेस एंड वेपन स्विचिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैश स्क्वाड में। अगर आपके पास नॉलेज हो कि किस प्लेस में आपको किस टाइप का गन यूज करना चाहिए, जैसे मैं बता दूं कि आप लोग अगर बमुडा खेलते हो तो बमुडा में क्या है कि घर जो है बहुत ही दूर दूर है, तो वहाँ पे गाइस आप लोग MP5 को प्रेफर कर सकते हो। तो MP5 ऐसा गन है गाइस, गाइस देखो SMG गन का एक इकलौता ये फायदा है, इसको हम लोग शॉर्ट रेंज में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग मिड रेंज में भी यूज कर सकते हैं। हाँ गाइस, ये लोग बेनिफिट मिलता है SMG गन या हम लोग MP5 का। तो गाइस, अगर आपके पास हो, मतलब अगर आप लोग जाओ बमुडा क्लैश स्क्वाड में, ठीक है, तो बमुडा में आप लोग मैक्सिमम ट्राई करो कि वहाँ पे आप लोग MP5 को प्रेफर करो। गाइस, MP5 बहुत ही बेस्ट है बमुडा के लिए, ठीक है। और गाइस देखो, जैसे आप लोग आ जाओ केप टाउन, ठीक है, तो गाइस केप टाउन में क्या है कि और बहुत दूर दूर है, ठीक है, मतलब बहुत दूर दूर घर घर से, ठीक है। तो गाइस वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो M4A1, मतलब वहाँ पे आप लोग एयर गन्स को अच्छे से यूज कर सकते। गाइस देखो, नॉलेज ऑफ प्लेस के साथ वेपन स्विचिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास अच्छा प्लेस का नॉलेज हो कि किस टाइप में किस टाइप का गन आप लोग को सूट है, गाइस बहुत से प्लेस ऐसे होते हैं कि वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं और कुछ गन्स उन लोग अच्छे नहीं यूज कर पाते हैं। तो गाइस देखो, जो गन्स आपको अच्छा लगता है वो यूज करो, बट गाइस मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ आप MP5 यूज करो ये बमुडा में, और केप टाउन मिले तो आप लोग वहाँ पे मैक्सिमम एक बंदे को बोलो अपने टीम का स्क्वाड हो के वो एयर गन से खेले।
गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। गाइस ये थी हमारे आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, थोड़ा सा आपको अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दो गाइस। ठीक है, शेयर कर दो गाइस। जो बंदे लोग चाहते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर तक इस बार पुश करे रैंक, तो गाइस उस बंदे को इस वीडियो को शेयर कर, ताकि उस बंदे को कुछ बेनिफिट हो जाए और वो भी इस टिप्स को अगर फॉलो करता है तो वो भी ग्रैंड मास्टर तक पहुँच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू गाइस।